हाय एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2018 एडिशन में से क्वेश्चन नंबर 91 लिया गया है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाते हैं और ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 66 की तरह सिमिलर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। क्या कहता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू करा किसके लिए, शेयर्स इशू करने के लिए। एप्लीकेशन कितने की इन्वाइट करेगी बेटा, 2000 रुपीज की, सॉरी 2000 शेयर्स इन्वाइट करे गए हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, जो कि इशू हुआ है प्रीमियम पर 4 रुपीज। क्या है, 2000 शेयर 10 रुपए का एक है और 4 रुपए प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन रुपीज 6 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 2 इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 अगेन 1 प्रीमियम, सेकंड एंड फाइनल पे भी 3 रुपीज है 1 प्रीमियम का। क्या मतलब, एप्लीकेशन पर हम 6 रुपीज मंगवा रहे हैं, इस 6 में से 1 रुपीज आपका प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर भी हम 2 रुपीज मंगवा रहे हैं बट 1 रुपीज प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पर भी 3 रुपीज मंगवा रहे हैं 1 प्रीमियम है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीज मंगवा रहे हैं 1 प्रीमियम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन। देखो मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहां लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ स्पेस है। 2000 शेयर्स इनवाइट करे हैं, एक शेयर कितने का बेटा, 10 रुपीज का है, फेस वैल्यू 10 है और 4 रुपीज प्रीमियम है, 4 रुपीज प्रीमियम है। अब कैसे कैसे मंगवाया गया, एप्लीकेशन पर 6 जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है यानी 5+1, अलॉटमेंट पर 2 यानी 1+1, फर्स्ट कॉल पर 3 1+1, लास्ट कॉल पर बेटा 1+1 लिख दिया बेटा 2+1 एंड अगेन 2+1। अब देखो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 3000 शेयर्स की। एम प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स, प्रोराटा करा गया 2400 शेयर्स के लिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहां तक अभी स्टॉप करा है, इससे पहले आगे चलू सबसे पहले हाफ मार्क्स स्कोर कर लो। कैसे, उसने जितनी की एप्लीकेशन बोली है उसकी एंट्री पास कर दो। एप्लीकेशन कितने की है, 3000 शेयर्स की, तो आइए यहां पे एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हाफ मार्क्स स्कोर कर लो एंट्री डाल के, 3000 शेयर्स आए हैं, एक शेयर कितने का है एप्लीकेशन पर, 6 रुपीज है, दैट इज 18000। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अब यहां पर ध्यान से समझना, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3000 शेयर, एप्लीकेशन कितनी आई है, 3000 शेयर्स, और प्रोराटा अलॉटमेंट करी गई है। सर प्रोराटा का मतलब क्या होता है, एक सिंपल शब्द में समझाऊं, जो एक्सेस पैसा आया है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको अगली बार एडजस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल हम जनरली शॉप्स पर जाते हैं, वहां पर होता है क्या, मान लीजिए कोई आइटम है 6 रुपीज की, हमने उसको रुपीज 10 का नोट दे दिया। अब होता क्या, कहता है कई बार कि हमारे पास खुले नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे, यानी अगली बार जब मैं उसको पे करूंगा तो 4 रुपीज कम पे करूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा,
जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसको अगली बार एडजस्ट कर देना। अब देखो क्या कहता है, 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, प्रोडाटा बनाया गया 2400 पर। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका सिखाता हूं, कैटेगरीज बना लीजिए आप। कैटेगरी एप्लीकेशन एंड अप्लाई सॉरी अलॉटेड। देखिए फर्स्ट कैटेगरी क्या है, 2400 शेयर्स पर प्रोडाटा करा गया, 2400 एप्लीकेशंस को 2000 अलॉट करे गए। तो फिर एक सवाल आता है कि 600 जो बच गए, क्योंकि 3000 की एप्लीकेशन आई थी, जो 600 बच गए उसका क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो 600 का हम रिफंड कर देंगे, इनको कुछ अलॉट नहीं करा गया। ये हो गया 3000, यानी टोटल एप्लीकेशन 3 की आई थी और अलॉटमेंट 2000 की थी। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या डिसाइड हुआ कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा पैसा है, उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। आगे एक्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एक्स जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे, बेटा क्या हुए थे, अलॉट 40 शेयर अलॉट हुए थे, वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फोरफिटेड। और जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी तो हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे द टू कॉल्स, वाई यहां पर ध्यान से वर्ड पढ़ना, अप्लाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 72 शेयर्स के लिए, वो फेल हो गया दो कॉल्स पे करने पर। Y के 72 शेयर्स है बट ये अप्लाइड है। सर ये अप्लाइड और अलॉट का क्या खेल है ये बाद में बताऊंगा। उसने क्या क्या पे नहीं करा, टू कॉल्स यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, और X ने क्या नहीं पे करा, X ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन कंटिन्यू करूं, एक छोटा सा पॉइंट और कहना है, बेटा मैं बार बार देखता हूं बच्चे अकाउंट की वीडियो स्किप मार के देखते हैं या उसी पोर्शन को देखते हैं जहां उनको लगता है कि हमें इसमें डाउट आता है, उनके लिए तो ठीक है, बट जिन्होंने क्वेश्चन कभी पूरा पढ़ा नहीं या जिन्होंने टॉपिक नहीं करा उनके लिए स्पेशल एडवाइस है कि अकाउंट्स की वीडियो एंड तक देखा करिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आएंगे। क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसके अंदर कभी कभार हाफ एन आवर से ऊपर की वीडियो बन जाती है, बट कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब देखिए हमारे पास पूरा क्वेश्चन ही आ चुका है इस समय, थोड़ा सा पार्ट यहां पर है, इसको बताता हूं क्या है। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड, इसको पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहली एंट्री तुमने लिख ली थी, सबसे पहले जैसी एप्लीकेशन के लिए बोल दे इतनी की एप्लीकेशन आई है उसकी एंट्री पास करो तो हाफ मार्क्स आपको यहीं पर मिल गए। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन, अब हमने क्या करना है, अलॉटमेंट करनी है, अलॉटमेंट कॉल नहीं बेटा, अलॉट करने शेयर्स, जो 3000 आए हैं इसमें से 2000 को ही शेयर्स देने हैं। तो देखिए अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने आए थे बेटा, 18,000, कैसे, 3000 इंटू 6, अब इसको शेयर कैपिटल में डाल देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर डालूंगा, जितने अलॉट करे दैट इज 2000,
2000 into 6 यानी 12000। अब यहां पर देखिए 600 का पैसा मैंने रिफंड करना है क्योंकि इनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो जब रिफंड होता है तो टू बैंक हो जाता है, टू बैंक अकाउंट 600 इंटू 6। यहां पर छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, 2000 इंटू 5, कैपिटल में 5 जाएगा, 1 रुपीज प्रीमियम का था, टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा बेटा 3600। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहां पर कितना आएगा 2000 इंटू 1। अच्छा अब डिफरेंस आ रहा होगा, 18000 आए थे, 10000 तो भेज दिए कैपिटल में, 2000 भेज दिया मैंने एसपीआर में और 3600 वापसी कर दिया, तो बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया उसका क्या होगा, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कैसे निकालूंगा, सिंपल है, बैलेंसिंग फिगर कर दो, कितना आएगा वैसे 2400 आएगा, 2400 आएगा, या आप इसमें में भी निकाल सकते हो, 2000 के शेयर्स आए, सॉरी 2400 वालों को 2000 ही दिए, यानी 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है, 2400 शेयर्स को 2000 ही दिए तो 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है। अब 400 इंटू 6 कर दीजिए, आगे मूव करते हैं, अगली एंट्री होगी एप्लीकेशन रन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट कॉल करने से पहले अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा 2000 इंटू 2 टोटल अमाउंट से 4000, शेयर कैपिटल में कितना आएगा 1 रुपीज 2000 इंटू 1 दैट इज 2000 और एसपीआर में भी 1 रुपीज से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या था, एक्स एक्स जिसके पास 40 शेयर्स थे, जिसको 40 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने क्या नहीं पे करी, अलॉटमेंट नहीं पे करी और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, वाई ने तो फर्स्ट और सेकेंड है, तो एक्स की बात करते हैं, एक्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करी। अब अलॉटमेंट पे एक्स ने कितना पैसा नहीं पे करा होगा, कई बच्चों को सिंपली बोल देंगे सब 40 शेयर्स है 40 इंटू 2 रुपीज, यानी उसने 80 रुपए अलॉटमेंट पर पे नहीं करे, बट अगर आप में से किसी के दिमाग में भी आ रहा है तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि बेटा ध्यान से समझना, ये शेयर अलॉटमेंट 2400 की है, ये शेयर अलॉटमेंट यानी एक्सेस पैसा है 2400 है। अब इस 2400 में से कुछ पैसा एक्स का भी तो होगा, कुछ पैसा एक्स का भी तो होगा जो उसने हमें एक्स्ट्रा दिया होगा। मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स के 30 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए थे और अलॉटमेंट पर उसने 80 रुपीज पे करने थे, 30 रुपीज एक्स्ट्रा है अलॉटमेंट पर 80, यानी उसने नेट अमाउंट कितना पे करना था 50। दैट मीन्स हमें अलॉटमेंट पर उसके 50 रुपीज रिसीव नहीं होंगे, तो अब हम यही निकालेंगे कि उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास ऑलरेडी कितना था और उसने अब कितना देना था। तो आइए निकालते हैं, फोर्थ एंट्री कर रहे हैं,
देखिए मैं आपको समझा रहा था कि एक्स ने 80 रुपीज पे करने थे अलॉटमेंट पर लेट अस से कि उसके 30 रुपीज ऑलरेडी मेरे पास एडवांस में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन पर ज्यादा पैसे दिए थे। इस 2400 में एक्स का कुछ एक्स्ट्रा मनी था। दैट मीन्स एक्स ने नेट अमाउंट जो अलॉटमेंट पर पे करना था वो था 50 रुपीज का, जो कि उसने पे नहीं करा। अब हमें यही निकालना है कि एक्स का यह बचा हुआ अमाउंट कितना था अलॉटमेंट पर। उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। एंट्री में लिख लेता हूं यहां पर, जब अलॉटमेंट पर मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आने कितने थे? ड्यू थे 4000, एक्सेस आ गए 2400, और अभी एक्स का और निकालने की एक्स ने कितना पे नहीं करा। तो ये निकालते हैं, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? आई होप ये फिगर्स याद हो गई हो, क्योंकि मैं इसे रब कर देता हूं ताकि वर्किंग नोट हम बना पाए। इसी भी रब कर देते हैं, याद कर लीजिए। कैटेगरी फर्स्ट में 2400 को 2000 दिए और 600 को रिजेक्ट कर दिया। वर्किंग नोट नंबर वन क्या है? एक्स को 40 शेयर अलॉट थे, एक्स को 40 शेयर अलॉट थे। हमें निकालना कि एक्सेस कितना एक्स ने पे करा था एप्लीकेशन पर। तो एक्सेस निकालने के लिए आपको एप्लीकेशन पर अप्लाइड शेयर चाहिए। मींस मान लीजिए एक्स ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको दिए 40, तो यानी एक्सेस 40 शेयर्स थे। तो हमें यही निकालना है कि अप्लाइड एक्स ने कितने करे थे। आइए सबसे पहला काम क्या है, हमें निकालते हैं कि शेयर्स अप्लाई कितने करते हैं। शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स, ध्यान से अब देखना, एक ट्रिक बताता हूं। यहां पर बच्चों को अप्लाई अलॉटेड निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एक सिंपल बताता हूं। लिख लीजिए अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। अप्लाई में एक्स की कैटेगरी कौन सी थी? फर्स्ट कैटेगरी थी, जिसमें 2400 शेयर्स को हमने 2000 शेयर्स दिए थे। एक्स का हमें क्या निकालना है? अप्लाइड, दिए क्या हुए हैं? अलॉटेड, दैट इज 40 शेयर्स। तो एक सिंपल ट्रिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 40 को 2400 से मल्टीप्लाई करिए, 40 × 24, और जो रिमेनिंग रह गया उसको डिवाइड में ले आइए। फोर्टी एट शेयर्स अप्लाई करे थे एक्स ने। अब ये निकालो एक्सेस कितना हो गया, तो यानी कितने शेयर का पैसा एक्सेस आया? 48 करे थे, हमने दिए 40, यानी 8 शेयर्स का पैसा एक्सेस आ गया। तो एक्सेस मनी कितनी होगी? एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एट शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, इनटू एक शेयर एप्लीकेशन पर था 6 रुपीज का, 48 रुपीज एक्स के हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ेगा। अब थर्ड क्या है कि एक्स ने अलॉटमेंट पर कितना पे करना था, एक्स ने अलॉटमेंट पर कितना पे करना था। सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा अमाउंट ड्यू? 40 शेयर्स थे, 2 रुपीज का एक था,
80. अब एक्सेस को माइनस कर दीजिए, 80 रुपए चाहिए थे, 48 एक्स्ट्रा आ चुके थे, लेस एक्सेस, तो ये होगा 32. यानी एक्स ने 32 रुपीज पे करने थे जो पे नहीं करे. अमाउंट नॉट रिसीव. तो हम माइनस कर देंगे 32 रुपीज जो हमें रिसीव नहीं हुए. आइए देखते हैं कितना होता है. 1600 माइनस 32, 1568. इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं. आइए फिफ्थ एंट्री पे चलते हैं. अगली एंट्री थी शेयर फर्स्ट कॉल की. कितने रुपीज की थी? 3 रुपीज की थी. तो ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट. कितने शेयर है? 2000. फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज आ रहे, दैट इज 6000. शेयर कैपिटल में 2 रुपीज जा रहे हैं और एसपीआर 1 रुपीज का है. रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देखिए आने थे 6000, 6000 आने थे, 6000 में से एक्स ने पे नहीं करे 40 शेयर्स का पैसा. एक्स ने 40 शेयर्स नहीं पे करे तो एक्स के 40 शेयर्स कितने हो जाएंगे? माइनस 40 इंटू 3. अब वाई, वाई के क्या लिखा हुआ है बेटा? वाई के 72 शेयर्स अप्लाइड थे. वाई ने अप्लाई करते वक्त 72 शेयर्स अप्लाई करे थे. क्या उसे 72 के 72 हमने दिए? नहीं, क्योंकि मैंने बताया 2400 वालों को हमने 2000 दिए. तो वाई भी तो इसी कैटेगरी का है. 72 उसने मांगे और मैंने उससे कम ही दिए होंगे. तो अब देखो क्या निकालना है कि वाई ने कितने शेयर्स अप्लाई, सॉरी वाई को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे. वर्किंग नोट नंबर 4, शेयर्स अलॉटेड टू वाई. कैसे निकालू? वही अप्लाई अलॉट. वाई की कैटेगरी थी 2400, 2000 शेयर अलॉट थे. वाई ने 72 अप्लाई करे और निकालना है कि उसको अलॉट कितने करे गए. क्रॉस मल्टीप्लाई 72 इंटू 2000 अपॉन जो बच गया 2400. यानी वाई को हमने बेटा दिए 60 शेयर्स. वाई को हमने दिए 60 शेयर्स. दैट मीन्स वाई ने 60 शेयर्स का पैसा नहीं दिया होगा. माइनस 60 इंटू 3, 180, 12300. तो ये हो गया 5700. 5700 क्या हुआ हमें रिसीव. अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्स ने जैसी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी हमने उसके शेयर वाई पे फोरफीट कर लिए. तो शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट. ध्यान से समझना, एसपीआर में वो बैलेंस आता है जो आपको रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट में भी वो बैलेंस आता है जो रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल में भी वो बैलेंस आता है जो रिसीव नहीं हुआ.
और फोरफिटेड में बाकी बचा हुआ जो हमने जब्त कर लिया। शेयर कैपिटल में कितना आता है? जितना अभी तक हमने कॉल कर लिया। देखो फर्स्ट कॉल तक हमने कितना कॉल करा है बच्चा बोलेगा सर सिक्स, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर टू और फर्स्ट कॉल पर थ्री, दैट मीन सिक्स प्लस टू एट इलेवन, ठीक है, इलेवन शेयर। मैं कहा बेटा दस रुपए का तो शेयर था, आपने इलेवन कैसे कॉल कर लिया? यहां पर कंफ्यूज होगा क्यों? क्योंकि उसने अमाउंट गलत लिया बेटा। सिक्स में वन रुपीज का प्रीमियम था तो दैट मीन्स कैपिटल में पांच रुपए गए, अलॉटमेंट में भी वन रुपीज का प्रीमियम था तो टू रुपीज, और फर्स्ट कॉल में भी अलॉटमेंट टू की थी तो वन रुपीज, फर्स्ट कॉल में टू रुपीज, कितना हो गया फाइव प्लस वन सिक्स एट, यानी एट रुपीज अभी तक कॉल्ड अप है। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर प्रॉफिट करे हैं? 40 शेयर, 40 इंटू एट तो ये 320। अब शेयर अलॉटमेंट तो हमने बताई थी वर्किंग नोट नंबर थ्री पे, कितना 32। शेयर फर्स्ट कॉल भी बताई थी मैंने, भी इस पर नहीं लिखा, इस पर बताता हूं कैसे लिखेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल बताई थी 40 इंटू थ्री 120। अब यहां के लिए स्पेशल वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर फाइव। ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूं। जब भी एक्सेस मनी आता है, जब भी एक्सेस मनी आता है जो हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम उस एक्सेस मनी को हम कैपिटल के लिए अप्लाई करते हैं। जो एक्सेस आया उसको हम कैपिटल के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जो रिमेनिंग रहता है हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अप्लाई करते हैं। समझाता हूं कैसे, बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये। देखो एक्सेस मनी रिसीव किसकी, एक्स की, बेटा हमने पिछले नोट में पढ़ा था 32 रुपीज, सॉरी एक्स की थी, हाँ 48 रुपीज, एक्स की थी 48 रुपीज। अब इसमें से पहले मैं ये पैसा कैपिटल के लिए अप्लाई करूंगा। देखो एक्स ने अलॉटमेंट के वक्त कैपिटल पे कितना पे करना था, अमाउंट टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल। देखो एक्स के 40 शेयर फोरफिट करे, 40 में से एक्स ने 1 रुपीज तो कैपिटल के लिए करा था अलॉटमेंट वाली कॉल पर और 1 रुपीज प्रीमियम पर। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि एक्स का कैपिटल पे कितना अमाउंट ड्यू था, सिंपल सिंपल बताऊं 40 और एसपीआर पर 40। तो ये 48 में से मैं पहले 40 रुपीज को एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट का मतलब 48 में से पहले मैं 40 कैपिटल में भेज दूंगा कि भैया ये कैपिटल मेरी एडजस्ट हो जाए। अब जो बच गया उसको एसपीआर के लिए भेजूंगा। देखो कैसे, 40 माइनस कर दिया, क्यों? ये 40 लाख शेयर तो कैपिटल में जा रहा था 1 रुपीज, ये आ गया अमाउंट टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम, कि प्रीमियम के लिए मेरे को कितना अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है। देखो प्रीमियम आना था 40, 8 रुपीज एक्स्ट्रा है, टोटल अमाउंट आना था 80, टोटल आना था 80 जिसमें से था 40 कैपिटल के लिए 40 एसपीआर के लिए। तो पहले 40 वाले को मिलेगा, ये उस तरह होता है जिस तरह घर में डिसीजन पहले बड़े वाले को मिलता है। तो मेन चीज क्या होती है, कैपिटल, और सेकेंडरी आइटम होती है प्रीमियम।
तो पहले जो एक्सेस आता है वो हम कैपिटल को देते हैं, उसके बाद जो बाकी बचता है वो एसपीआर को देते हैं। तो हमने 40 दे दी कैपिटल में, 8 रुपए बच गए, अब 8 रुपीज हम प्रीमियम में दे देंगे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा बेटा, 40। अब 8 रुपीज प्रीमियम के लिए बच गए थे तो मैं माइनस कर दूंगा, लेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड 8 रुपीज, तो यानी 32 रुपीज उसने प्रीमियम पर पे नहीं करे, 32। अच्छा, इसके अलावा और कितना प्रीमियम पर पे नहीं करा था, फर्स्ट कॉल के प्रीमियम भी उसने पे नहीं करा, तो 32 प्लस 40 × 1 दैट इज 72। आई होप ये वर्किंग नोट क्लियर हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। अब जो रिमेनिंग रह गया वो कहां आ जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स में। बैलेंसिंग फिगर 320 392 माइनस 152 मेरा हो जाएगा 140। एक मिनट, 392 माइनस 152 240 रुपीज मैंने उसके फोरफिट कर दिए। नेक्स्ट एंट्री, अब सेकंड कॉल की एंट्री आ जाएगी, तो सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। सेकंड कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की। कितने शेयर्स आप बोलोगे 2000, मैं बोलूंगा नहीं, 2000 में से तो हमने 40 शेयर्स फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, तो यानी कितने बच गए, 1960। यानी अब मैं 1960 शेयर से ही पैसा मंगवा सकता हूं, क्योंकि 40 मैंने अपने पास वापसी बुला लिए। सो 1960 × 3 5880, इसमें से एसपीआर में आ गया 1960 और कैपिटल में आएगा 3920। बेटा 9th एंट्री में यहां पर कर रहा हूं, 10th एंट्री भी यहीं पर कर दूंगा, 11th लास्ट एंट्री के लिए मेरे को वर्किंग नोट का स्पेस चाहिए होगा, तो 9th एंट्री करते हैं। सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री, कितना पैसा आना था, 5880 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना बेटा, 5880 माइनस कितना पैसा नहीं आया, 60 शेयर्स का पैसा नहीं आया, 60 × 3 दैट इज 5700। अब जैसी सेकंड कॉल पे नहीं हुई, हमने क्या करा, 60 शेयर उसके फोरफिट कर लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर। कौन कौन सी कॉल्स आई, एक तो फर्स्ट कॉल और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जिसके अलावा डिफरेंस आएगा वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाएगा, टू फोरफिटेड
देखो मैंने यहाँ करा क्या, मैंने कुछ भी नहीं बोला संजय, बहुत सिंपल था। शेयर कैपिटल में मैंने 60x10 करा, 60 शेयर फोरफीट करे और 10 रुपीज में अभी तक कॉल्ड अप कर चुका हूं, यानी पूरी फेस वैल्यू। यहां पर हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट आता है, पूरा कॉल कर चुका हूं तो 60x10 600। कितना कितना इस पर रिसीव नहीं हुआ, एक तो फर्स्ट कॉल पर 60x1, एक सेकेंड कॉल पर 60x1 दैट इज 120। ये आप इसके कर सकते थे बेटा डायरेक्ट 60x2, 2 रुपए रिसीव नहीं हुए एसपीआर के नाम पर। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना ही आया देखो, यहीं पे लिखा हुआ है 60x3 180। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 60x3 180। और अब जो बच गया वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में गया। इतना पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा, आप लोग इसे नोट करो। अब इसके बाद रीइश्यू की एंट्री है और कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, वो समझाता हूं, बट आप इसे नोट करिए पहले। बेटा मैंने बोला था ये सबसे एंड में समझाऊंगा, अब देखो इसका टाइम आ गया। क्या कहते हैं, ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जितने शेयर्स फोरफिट करे गए थे, 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुली पेड अप। 80 शेयर्स जेड को बेच दिए गए, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप का मतलब पूरे फेस वैल्यू पर। पेड अप का मतलब क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू। एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि कितने की फेस वैल्यू पर, फुल फेस वैल्यू पर बेच दिए गए, कितने रुपए में, फॉर मतलब कितने रुपए में, 9 रुपीज पर शेयर। पूरी फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज। आम भाषा में बोलू 10 रुपए का माल 9 रुपए पे बेच दिया गया, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, जिसमें से वाई के सारे शेयर इंक्लूड थे। कितने बेचे गए बेटा, 80, जिसमें से वाई के सारे इंक्लूड थे, यानी 80 में से Y के कितने है? 60 शेयर्स है, यानी Y के 60 हो गए क्योंकि उसके सारे कर दिए गए और X के 20 ही हुए। कितने में से, X के फोरफिट हुए थे 40 और Y के हुए थे पूरे 60। इसका कॉन्सेप्ट कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आता है। पहले हम रीइश्यू की एंट्री करते हैं, इलेवेंथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो रीइश्यू में क्या होता है, डायरेक्ट आपका कैपिटल में अमाउंट जाते हैं, वहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इन सबका कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट हम कैपिटल में भेजते हैं। तो जैसे ही पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस रह जाता है हम उसको फोरफिटेड शेयर से सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो हमने फोरफिट करा, यानी मान लीजिए 360 रुपीज इसके फोरफिट करे गए और यही शेयर मैंने दोबारा बेच दिए 300 रुपए के डिस्काउंट पर, ये रिसीव हुआ और ये डिस्काउंट दिया, तो मेरे को अल्टीमेटली 60 रुपीज का फायदा हो गया, वो 60 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखो फोरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा, एट्टी शेयर्स कितने रुपए, 9 रुपीज पर रीइश्यू करे गए। कैपिटल में कितना जाएगा, फुल्ली पेड अप पूरा अमाउंट, 80x10 800। आपको जो डिफरेंस, या मैं बोलू डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपीज का दिया, तो 1 रुपीज का डिस्काउंट फोरफीचर में आ जाएगा। अब लास्ट एंट्री बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन मेन थिंग है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट इसका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 6 है। देखो कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट।
आपने 80 शेयर्स रीशू करे, 80 शेयर्स रीशू करे, इसमें से एक्स के और वाई के, वाई के सारे शेयर ले लिए, वाई के कितने शेयर फॉरफिट करे थे 60, तो वाई के 60 ले लिए, कितने में से 60 में से, एक्स के कितने ले लिए बाकी बचे हुए यानी 20 थे, कितने एक्स के 40 थे। अब हमें ये निकालना है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर फीचर का कितना बैठता है। प्रोपोर्शनेट मतलब सर मान लीजिए इस एग्जांपल में या इस एंट्री में 360 शेयर्स मैंने फॉरफिट करे, सॉरी 360 रुपीस फॉरफिट करे, 360 रुपीस फॉरफिट करे कितने शेयर्स के लिए 60, मैंने सिर्फ 30 ही रीइश्यू करे, तो मैं आपसे पूछता हूं 30 के लिए कितना फॉरफीचर का अमाउंट बैठेगा। आप बहुत सिंपली बोल दोगे 60 के लिए 360 है तो 30 के लिए उसका आधा हो जाएगा, यानी 30 के लिए मेरे पास सिर्फ 180 शेयर 180 रुपीज का ही फॉरफिटेड अमाउंट है। अब मैं 100 रुपए डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया 80 रुपीज का। हो सकता है यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहां के लिए आपको पिछला बेस चाहिए। सिंपल क्या है, आम भाषा में आपको प्रोपोर्शनल अमाउंट चाहिए, तो प्रोपोर्शनल अमाउंट कैसे निकालूंगा उसका एक सीधा वर्किंग नोट बताऊंगा और एक याद रखने का तरीका। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, इसे दिमाग में डाल लीजिए अपना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है, रीइश्यूड शेयर्स अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर्स या अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फॉरफिटेड अमाउंट। माइनस डिस्काउंट, बेटा यहां डिस्काउंट किसको कह रहा हूं कि आपने कितने का घाटा खाया, आपने 800 का 720 में दिया 80 रुपीज का घाटा, ये आपका क्या निकल जाएगा कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉर्मूला फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, आपके लिए दी बेस्ट रहेगा क्योंकि ये पॉइंट समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। अब देखिए क्या है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखो एक्स के कितने शेयर्स थे 40 शेयर्स, कितने रीइश्यू हुए इसमें से सिर्फ 20, और एक्स का अमाउंट कितना था फोर फीचर का, आप एंट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा 240 का अमाउंट था, 240 प्लस वाई के कितने थे, वाई के टोटल थे 60, रीइश्यू हुए 60 और वाई का फोरफिटेड अमाउंट कितना था 360 का, माइनस आगे क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया बेटा मैंने 80 रुपीज का, ये आपका निकालेगा कि कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 120 प्लस 360 480 माइनस 80 दैट इज 400 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो और या कोई डाउट हो या कोई भी सजेशन भेजना हो तो आप मेरे को इस नंबर में भेज सकते हैं, और इस वीडियो को बेटा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आप हमारे फेसबुक पेज पर भी कमेंट अपने रिव्यूज या और अपडेशन के लिए देख सकते हैं। फेसबुक पेज का बेटा नहीं है सैम एजुकेशन एकेडमी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।